बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस ने सलमान खान की हीरोइन बनकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी, पर रेणुका शहाणे एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने सलमान की भाभी का किरदार निभाकर इंडस्ट्री में खूब सफलता हासिल की। वहीं बाकी फिल्मों में काम कर इन्होंने एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाई, इसलिए तो आज सभी लोग जानते हैं रेणुका शहाणे कौन है। लेकिन आज भी सभी लोग इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे। अभी भी आप इनके बारे में 10 अननोन फैक्ट से अनजान हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसे ही 10 अनसुनी और दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी इनसे जुड़े उन अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, सलमान खान की भाभी बनकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री रेणुका शहाणे का जन्म 7 अक्टूबर 1966 को मुंबई में थिएटर से ताल्लुक रखने वाली शांता गोखले और नेवी ऑफिसर विजय कुमार के घर हुआ। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि रेणुका एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए तो इन्होंने इसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई की। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है, वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पर बाद में अपने इस फैसले को बदल दिया और एक एक्ट्रेस बनने की राह पर चल पड़ी। नंबर 3, क्योंकि इनकी मम्मी मराठी सिनेमा से जुड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने मराठी सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत आसानी से कर ली थी, जिसके बाद इन्होंने साल 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल सर्कस से अपना टीवी डेब्यू किया और बाद में ये साल 1993 में सुरभि प्रोग्राम में बतौर प्रेजेंटर नजर आई। इस प्रोग्राम में इन्होंने अपनी मुस्कान से लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई। नंबर 4, टीवी शोज में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें सलमान खान ने अपने फिल्म हम आपके हैं कौन में अपनी भाभी पूजा के रोल के लिए चुना। सलमान खान से मिले इस ऑफर को इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर फिल्म में अपने किरदार के साथ एक घरेलू नाम बन गए। इसके बाद इन्होंने एक अलग मौसम, दिल ने जिसे अपना कहा और 3 स्टोरीज जैसी फिल्मों में काम किया। नंबर 5, आपको बता दें कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और तमिल की कुछ फिल्मों में भी काम किया था, पर सबसे ज्यादा इन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया। ये अब तक मराठी भाषा के 50 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें हाईवे और मासूम इनकी सबसे फेमस फिल्में हैं। नंबर 6, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब रेणुका शहाणे एक्टिंग छोड़ निर्देशक बन गई हैं। ये वर्तमान में अपनी दूसरी निर्देशित फिल्म त्रिभांगा पर काम कर रही हैं, जिसमें काजोल मेन लीड में नजर आने वाली हैं। इससे पहले इन्होंने रीटा नाम की फिल्म का निर्देशन करके अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की, जिसकी कहानी को इन्होंने इनकी मां शांता गोखले के उपन्यास रीता वेलिंगकर से लिया गया था। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि रेणुका शहाणे ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। इन्होंने अपनी पहली शादी मराठी टाइटल विजय खेंगड़े से की थी, पर दोनों के बीच उम्र का ज्यादा फासला होने के कारण दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा से 25 मई 2001 को शादी कर ली। बता दें की उम्र में रेणुका आशुतोष से 1 साल बड़ी है, जहाँ रेणुका की उम्र 53 है जबकि आशुतोष 52 साल के हैं, पर बावजूद इसके दोनों के बीच कभी दूरियां नहीं आई, इसलिए तो आज भी दोनों साथ हैं। आज दोनों के 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम शौर्यमन और सत्येंद्र है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि रेणुका शहाणे और शाहरुख खान ने साथ में एक टीवी शो में काम किया था। वो शो कोई और नहीं बल्कि इनका डेब्यू शो सर्कस था, जिसमे ये शाहरुख खान के ऑपोजिट अभिनय करती हुई नजर आई थी। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि रेणुका शहाणे जितनी अच्छी अदाकारा है उतनी ही अच्छी राइटर भी। इन्होंने अब तक कई फिल्मों की कहानियां लिखी हैं और इनकी लिखी हुई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। इस तरह एक एक्ट्रेस के साथ साथ इन्होंने बतौर फिल्म राइटर भी अपनी पहचान बनाई है। नंबर 10, यूं तो काफी सरल स्वभाव रखती है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती, पर जब बात अन्याय की हो तो ये खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाती है। जब मी टू कैंपेन शुरू हुआ था तब इन्होंने महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खुलकर बातें की और बाकी एक्ट्रेस का खुलकर सपोर्ट किया। तो दोस्तों, आपको रेणुका शहाणे के बारे में कौन सा फैक्ट जानकर सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किस फैक्ट को जानकर आपको हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।